तो भाई लोग ये है इन्फिनिक्स का हॉट 35G। कुछ ही दिन पहले ये इंडिया पे लॉन्च हुआ है, काफी अच्छा फीचर्स के साथ आया है। और ये है इन्फिनिक्स का नोट 35G, नोट सीरीज का फोन। ये भी कुछ ही दिन पहले आया है, इसका भी डिजाइन काफी अच्छा है, फीचर्स काफी अच्छा दिया गया है। दोनों का अनबॉक्सिंग और रिव्यू मैंने चैनल पे ऑलरेडी डाल के रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते। लेकिन दोस्तों मेरे पास ऐसा कॉमेंट आ रहा है, ये दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है और कौन सा हमें लेना चाहिए, तो आज की इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे। इन्फिनिक्स नोट 35G और हॉट 35G में कौन सा फोन बेटर है और कौन सा आपको परचेस करना चाहिए। तो वीडियो लेकिन यहाँ पर हॉट 35G का जो ब्लू वाला कलर है वो मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है, उसी का मैंने अनबॉक्सिंग चैनल पे डाला था। और नोट 35G का मैंने ब्लैक वाला मतलब यूज किया था, बट इसका जो ब्लू वाला वेरिएंट आता है वो ज्यादा बेटर लगता है। लेकिन जब आप दोनों फोन को हाथ में एक साथ पकड़ोगे तो आपको यह चीज फील होगा कि इन्फिनिक्स हॉट 35G थोड़ा सा आपको भारी और मोटा सा लगेगा, क्योंकि इन्फिनिक्स हॉट 35G में 6000 mAh का बैटरी दिया गया है, जिसकी वजह से फोन थोड़ा सा मोटा है और थोड़ा सा भारी आपको फील होता है। लेकिन अगर फ्रंट में देखोगे तो दोनों ही फोन में आपको सेम पंच होल डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। दोनों फोन का चीन और बेजल आपको सिमिलर देखने को मिलता है। दोनों ही फोन में जो डिस्प्ले यूज किया गया है फुल HD रेजुलेशन के साथ है, साइज भी भाई सेम है। दोनों ही फोन में आपको जो ब्राइटनेस वगैरह दिया गया है वो भी सेम है। दोनों ही फोन में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको डिस्प्ले में मिल जाता है, यानी डिस्प्ले में यहाँ पर दोनों फोन में भाई कोई भी अलग चीज नहीं किया गया है, दोनों ही फोन में डिस्प्ले सेम रखा गया है। लेकिन भाई जैसे कि मैंने आपको बताया दोनों फोन का वेट कम ज्यादा है, तो यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 35G में 6000 mAh का बैटरी दिया गया है, जिसकी वजह से वेट थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। और यहाँ पर जो बैटरी बैकअप मिलता है काफी तगड़ा बैटरी बैकअप मिलता है गाइस। लेकिन इन्फिनिक्स नोट 35G में 5000 mAh का बैटरी है, तो यहाँ पर बैटरी बैकअप अगर आपको ज्यादा चाहिए तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हॉट 35G आपको ज्यादा बैटरी बैकअप निकाल के देता है। लेकिन फर्स्ट चार्जिंग के मामले में इन्फिनिक्स नोट 35G में ज्यादा बेटर फर्स्ट चार्जिंग है। 45W का चार्जर है और साथ में बाईपास टेक्नोलॉजी को यूज किया है, जो कि भाई इस फोन को एक अलग बनाता है। लेकिन दोस्तों अगर चिपसेट के बारे में बात करेंगे या फिर परफॉर्मेंस के बारे में, तो दोनों ही फोन में अलग चिपसेट यूज किया गया है। अगर बात करते हैं हॉट 35G का, तो वहां पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 6020 का चिपसेट यूज किया गया है, जो कि काफी अच्छा चिपसेट है। इसमें आप 5G वगैरह यूज कर सकते हो, दोनों ही 5G सिम यूज कर सकते हो, 14 5G बैंड भी है। और साथ में यहाँ पर फ्री फायर या फिर BGMI वगैरह जो खेलना चाहते हो गेम वगैरह वो भी खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नोट 35G में थोड़ा सा बेटर चिपसेट आपको मिलता है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 का चिपसेट मिलता है। और इसका मैंने ग्राफ टेस्ट वगैरह सब कुछ किया है, मतलब थर्मल टेस्ट वगैरह, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर हॉट 35G से नोट 35G में बेटर एक्सपीरियंस आपको मिलता है। मतलब आप चाहे गेम खेलो, चाहे डे टू डे टास्क कंप्लीट करो, कुछ भी करो, आपको परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेटर मिलता है। बाकी यहाँ पर कनेक्टिविटी भाई यहाँ पर भी 5G है, मतलब काफी अच्छा बैंड भी मिल जाता है, कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलता है, ड्यूल 5G भी यूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर कैमरा देखोगे तो दोनों ही फोन में बैक साइड में आपको अलग अलग कैमरा सेंसर भी देखने को मिल जाता है। हॉट 35G में आपको 50MP का ड्यूल रियर कैमरा देखने को मिलता है, लेकिन नोट 35G में 108MP का ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है। अब कैमरा क्वालिटी की बात करें, दोनों ही फोन का मैंने कैमरा टेस्ट करके देखा है, तो नोट 35G का थोड़ा सा बेटर आपको कैमरा निकाल के देता है। और हाँ, सेल्फी में भाई नोट 35G ज्यादा बेटर है, क्योंकि वहां पर 16MP है और हॉट 30 में आपको 8MP मिलता है। तो अगर क्वालिटी की बात करें तो आपको बेटर क्वालिटी आपको नोट 35G में देखने को मिलता है, मतलब कैमरा के मामले में। अब दोस्तों यहाँ पर स्पीकर की बात करें, दोनों ही फोन में आपको जो है ड्यूल स्पीकर देखने को मिल जाता है, सेम है। लेकिन एक चीज आपको प्लस पॉइंट यहाँ पर नोट 35G में मिलता है भाई, JBL स्पीकर का सपोर्ट है, जिसकी वजह से साउंड क्वालिटी आपको बेटर मिलता है भाई नोट 35G में। और साथ में अगर UI यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो दोनों फोन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है। हॉट 35G एंड्रॉइड 13 के साथ आया है और नोट 35G भी एंड्रॉइड 13 के साथ आया है, लेकिन हॉट 35G में आपको एंड्रॉइड अपडेट नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी अपडेट आपको 2 साल का मिलेगा। लेकिन नोट 35G में आपको एंड्रॉइड अपडेट मिलेगा और सिक्योरिटी अपडेट भी मिलेगा, तो जिसको अपडेट ज्यादा चाहिए उसके लिए नोट 35G ज्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पर अपडेट वगैरह आपको रेगुलर मिलेगा। उसके बाद दोनों ही फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर भी यूज किया गया। देखिए दोनों ही फोन 4GB 128GB बेस वेरिएंट से स्टार्ट होता है। अब अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं कि दोनों फोन में से कौन सा बेस्ट है और कौन सा आपको लेना चाहिए, तो देखिए मैं क्लियर आपको बताता हूं, दोनों ही फोन अपना अपना जगह में बेस्ट है, बेस्ट फीचर्स आपको दे रहा है। अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा पैसा है तो एड करके आप नोट 35G ले लेना, अगर आपका पैसा कम पड़ रहा है तो फिर आप हॉट 35G ले लेना। बाकी दोनों ही फोन अच्छा है भाई, लेकिन नोट 35G थोड़ा सा बेटर आपको एक्सपीरियंस निकाल के देगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा बेटर फीचर्स एड किया है। बाकी दोनों ही फोन मुझे सही लगा, आपका प्राइस के हिसाब से जो भी आप परचेस करोगे आपको बेटर एक्सपीरियंस निकाल के देगा। बाकी ये था इन्फिनिक्स हॉट 35G और नोट 35G का कंपैरिजन वाला वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताना, बाकी ये दोनों फोन में से आपको कौन सा फोन अच्छा लगता है वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, यहाँ पर और भी काफी सारा अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो आने वाला है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, ये बिल्कुल ही फ्री है। मैं मिलता हूं आपको अगला कोई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।